बड़ा जो मत वो पाइप फोन है, फंस गए लगता है। बड़ा इस चीज के लिए स्वराज पसंद है। अब इतने बड़े को बीच के ले जाना है। ये देखो ये सूंड से ही चलती है, बाकी टायर तो इसके भी ये ट्रैक्टर से भी कम ताकत करा उस हिसाब से। तो इसके अलावा भी देखो कितनी सारी चीज लग रही है इसमें। ऑफ रोडिंग, अरे नहीं लगे जान दे गंजू। अरे ओए इसमें शॉर्ट पाइप 60। तो भाई साहब नेक्स्ट डे सुबह 9:30 बिग बॉस, जैसे बोलूँगा 9:30 अभी। और थरी रहे का आगे तो रोटावेटर हमको निकालना है, बट इसके आगे जीप है, यू ट्रैक्टर है, और ये ट्रैक्टर से रोटावेटर निकलेगा नहीं। पहले इसकी ट्राली निकालो, फिर उससे बाहर निकालो, फिर इसमें फंसाओ। बताओ कितनी समस्या है यार। ये उधर रख दे यार, इसका तोता खोल देते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात, तोता खोल के फिर फंसाते हैं रोटावेटर, क्योंकि रोटावेटर में थोड़ी सी दिक्कत है, उसका समाधान कर देंगे। ओह माय गॉड, अभी यहाँ पीछे लेने वाला शॉट बना रहे थे, और ये देखो इसकी मोहर बन जाती रही। ये तो कोई बात नहीं, बीमा है फर्स्ट पार्टी। बीमो है फर्स्ट पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। जान दे आप, आपका क्या ही बनाना। नहीं तो मैं सोच रहा था, अभी तुमने क्लिप देखी होगी, चाबी चालू फिर सेल्फ मारा फिर भी पीछे जाता, पर वो गाड़ी की भूल गए, उसने गड़बड़ मामला कर दिया, ट्रॉली खोल दी। हेलो भाई, मैं विवेक। सबसे पहले आज का काम दिखाता हूँ कि आज अपने को काम क्या करना है। कहाँ गया यार अपना काम, काम घूमगा। एक तो देखो ये नट भी ढीला है रे, ये ढीला है, ये टूट गया, ये दो काम। और इधर साइड तो ओके ना, इधर ओके, बस ये दो नटों का काम है आज। और भी है, और अपने जो पाइपलाइन है, मतलब कल कल जो जेसीबी चल रही थी तुमने देखी होगी जेसीबी को, वो जेसीबी ने पूरी पाइपलाइन खोद दी है। अब उसने पाइपलाइन तो खोद दी, उसमें अपने को डालना है पाइप, तो उसके लिए अपने को लाना पड़ेगा पाइप काष्टा वाले। 4 इंची पाइपलाइन गाड़ेंगे अपन 7.5 की मोटर के लिए। तो 735 से पहले रोटावेटर निकालता हूँ, फिर बाद में उसमें वापस ट्राली फंसा देंगे, क्योंकि 855 तो देखो तुम्हें पता है इसके अंदर आता ही नहीं, वो तो नहीं बोल देगा मैं इसके अंदर नहीं जाऊँ। ये ट्रैक्टर में इतना बड़ा छत ना होता और वो इसके अंदर घुस जाता तो सीधा हम इसी में रोटावेटर फंसा लेते, लेकिन क्या करो समस्या बढ़ गई। ये सिर्फ दो नटों के चक्कर में अपने को करना पड़ रहा है, बाकी इसको चलाना भी है थोड़ा अपने को, ज़्यादा पूरे खेत में तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी जगह हमको इसका यूज़ करना है। इसलिए मैंने सोचा यूज़ करने से पहले इसके नट अपन करवा लेते हैं, तो इसको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर ये और कहीं कहीं के नट तोड़ेगा। अब चलाने को तो अपन इस ट्रैक्टर से भी रोटावेटर चला देते, लेकिन इस ट्रैक्टर के पास टाइम कहाँ है, ट्रॉली लेके जाएगा। अरे कहीं भी खोल दा, अभी फंसानू तो है, यहीं खोल दा सामने ही। लो ये ट्रैक्टर को रेडी कर दिया खेत में जाने के लिए, क्योंकि आज हो सकता है दिन भर हम परेशान रहें, क्योंकि अपने को पाइपलाइन दाबनी है, तो उसमें पता नहीं कितना समय लगेगा। जैसे भी तो खेत में ही खड़ी है, उसने खोदना सुबह से स्टार्ट कर दिया होगा और हम पहुंचेंगे जब तक खोद भी दिया होगा। तो अब देखते हैं, या तो फिर इसको फंसा के रोटावेटर सुधराने चलें, या फिर खेत में ही चलेंगे, जो भी होगा देखी जाएगी। पाइपलाइन जानू नहीं, अभी फोन लगाएगा नहीं, पता नहीं कहाँ से उठा लूँ पाइप। सोनू टायर फोड़ दी, सोनू की ये अपनी देसी जी वैगन को मॉडिफाई कर दो। हाँ यार वही तो, जी वैगन से कम थोड़ी ना वो। अरे वो बेचारी अब अपनी पुरानी हो गई यार। अरे हाँ अभी कहाँ पुरानी है, अभी तो जवानी है। अरे वो तो बुलेरो कभी बूढ़ी हुई थी आज तक कोई की भी है, तो अपनी बूढ़ी होगी। और ये वाला जो मॉडल है ना, इतना प्यारा है, नया मॉडल मतलब देखा है मैंने, चला है भाई साहब, इसकी ओढ़नी है इतनी मजबूत है, इसके ऊपर तुम चढ़ भी जाओगे ना, जैसे अपने पास फीगो है वो 2-3 जगह से दबी, उसका तुमने ऐसा कर दिया दब जाएगी, इसको कोई फर्क नहीं, तुम कोई चढ़ जाओ कहीं कुदा दो। आगे से दो एक बार लगी इसने, एक बतानू नहीं चाहिए, बतानू नहीं चाहिए, बाकी एक डिलक्स चूर कर दी इसने, पूरी तोड़ दी, और इसको कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें इसमें ओरिजिनल है, मतलब कुछ भी नहीं बदला है इसमें, जो था ना वो ये, बस इसका बम्पर टेढ़ा हुआ था, तो वो भी जहाँ गाड़ियाँ सुधरती है वहाँ सही नहीं हुआ। इसको ले गए हम बिल्डिंग वाले के पास, उसने हथौड़े मार के सही किया तब हो गया, बाकी ऐसे दिखती नहीं कि कहीं से लगी है। देसी जीवेदन कमानी पत्ते देख रहे हो, यो ट्रक वाला घुस ही दिया हुआ बहुत समय में कंपनी ने, बाकी बढ़िया चीज़ है। जब तो इतनी ऊँची है ये, इतनी ऊँची, इतनी ऊँची, धोनू पड़ा हुआ है देसी जीवेदन की हालत भी, पर बुलेरो तो गंदी अच्छी लगा नहीं। ये देखो धूल मिट्टी सब है,
चल बच्चे अंदर चलो, तुम्हारा कोई काम नहीं हमारे को, तुम आराम करो, ट्रैक्टर काम करेंगे, तुम आराम करो। और इस गाड़ी का बढ़िया अच्छी चलने का एक रीज़न मैं बताता हूँ, इसके अंदर टर्बो इंजन नहीं है। जो टर्बो इंजन होते हैं ना, वो थोड़े दिन बाद टर्बो लेग, जैसे अपने फीगो में है, ट्रैक्टरों में होता है, टर्बो लेग आना स्टार्ट हो जाता है कुछ समय के बाद। लेकिन ये नॉन टर्बो है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं, जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। प्रेम भैया तुमने कहीं टैटू बन भी लिया होता हाथ में, बताओ तो। नहीं कहा टैटू कि मोटर को वो छाप है तो टैटू का या वो पाइप था नहीं फटे तो ने टैटू बनाई थी वो मोटर था लंबो ऐसा उतार दिया तो ने जुट झोल मारे टैटू हाथ पे झोल लग गो मैंने ऐसा छोड़ दिया हाथ पे झोल लग गो अच्छे से ठोक दिया मैंने ये तो धोखा हो गई। सोनू डॉक्टर एमबीबीएस की नजर में इलाज कर रहा है यार। प्रेम भैया हाथ का प्रॉब्लम लगाना था थोड़ी ना कहीं हो बोल रहे हो टिंचर नहीं हाथ पंचर दुखाई हाँ तो दुखा को टिंचर लगा कर कहीं नहीं कर रहा चिट 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 थोड़ी कर रहा हूँ साफ कर देगा साफ। A few moments later अरे मामा से उठा को लोग सामान है फेंक चले तो प्लास्टिक को फेंक दे तो फोड़ दे जन सामान लगे ना पाइपलाइन में हाँ यार सोनू हर चीज में आजकल बहुत सामान लग रहा हूँ सोनू वहाँ चल जाए यार ट्रॉली पे मोसा के शौकीन अपने काम से लग गए अरे है दादा घर आ गई भैया और मामा ने इतनी बड़ी रस्सी लाया मैं बोल रहा हूँ लपटते लपटते तो शाम हो जाएगा अपन लपटांगा और छोड़ांगा नहीं देखो कितना पसीना आएगा तुम तो मैं वही तो कह रहा दो छोटी छोटी लाता के प्रेम भैया मन की एक है तुम लपटागा और छोड़ांगा जब तक तो रात ही जाएगी अपना का पाइपलाइन भी गाड़ दू है ताम यहाँ झामा फैला ली अम्मा उठा फैले ना सा पीछे पड़ गया उनका ये पाइप देखो यहाँ से ये नब गया हैं ढीले ही बांधो अपने ट्रैक्टर कौन सा 250 की स्पीड में जाएगा आराम से चलाएगा पूरी शिद्दत से रस्सी लेने भिड़गाएगा पीछे नहीं कि पाइप तो आप ऐसे बांध देंगे ऐसे पाइप बांध देंगे किसी ने सोची ना होगी क्या दुश्मनी हो रही इनसे यार ये तो लटक लग अरे प्रेम भैया बस नहीं हल्लेगा यार लटक लटक का बांध रहा तुम बस करो यार हार क्यों नहीं मान रहा तुम हार मान लो यार हम यहाँ गर्मी में बैठे ले ये देखो कितनी गर्मी हो रही है और मैं बोल रहा पाइप लाइन गाड़ के गेहूं भी बोन है यही काम थोड़ी ना पंडित जी टेस्टिंग करके देख ले इसमें शॉर्ट पाइप 60 चलो जान दो पंडित जी फिटिंग तगड़ी कर जो क्या पंडित जी बेफिकर रहो हाँ नहीं मोटर चालू करो सब खुल जाओ धन 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 हाथ में तो पाल लियो ये लो चला ये ट्रैक्टर जो नाली खुदी हुई है वो तो मैंने दिखा ही नहीं लेकिन उनमें ये पाइप डालेंगे अब एक लाइन से अपन भी चलेंगे अभी इस ट्रैक्टर को लेके रात को पानी हेड़ दिया भैया पलेवा वाले उनने को लेके चलते हैं एक ट्रैक्टर तो वहीं पे इसमें कुछ पेड़ वेड़ भी है तो वो खींच के ले आएंगे अपन बाकी टायर तो देखो इसका भी खराब है और बहुत से भाइयों को लग रहा था कि इसका स्टीकर मैं अच्छे से निकाल ले रहा हूँ भाई साहब हमने बहुत कोशिश करी देख रहे हो ये देख रहे हो ये तो हमने कोई कम कोशिश नहीं करी लेकिन इस पर ना आपका वो नक लगेगा और ना ही इस पर जो लोहे की पत्ती आती है ना रेडियम वालों के पास उसने मतलब गर्म करके बहुत इसमें ऐसे करके देख लिया पर हुआ ही नहीं ये तो और मेरे को लगता है चलो निकल भी जाएंगे ये इतना पता नहीं कैसे निकल गया उसके बाद से तो ये देखो जितनी मर्जी जान लगा लो ये नहीं निकल रहा है। अभी एक भाई का कमेंट था कि भाई साहब जो नए ट्रैक्टर है 2023 मॉडल उनके तो वैसे ही निकल रहे और रेड हल्का निकल नहीं रहा मगर बात तो सही है देखो ना सारी जगह से हमने कोशिश करी थी कि कहीं से तो निकले आधा आधा निकल गया ये मतलब कुछ चल ही नहीं रहा इस पर हमारा बस
हाँ कितनी मर्जी कोशिश कर ले बेटे ना निकलेगा, तो कल ही नहीं निकाल लेता अपन। गर्म पानी वो सारी चीजें अभी जो जो भाइयों ने कमेंट करी है ना, मतलब किसी ने बोला कि गर्म पानी करके देख लो, किसी ने बोला कि ड्रायर से करके देख लो, तो सारी चीजें हम एक दिन ट्राई करने वाले हैं कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा ना। आज तो अपने पाइप लाइन का काम चल रहा है, वही चक्कर में हम जा रहे होंगे, देख तो कितनी क्या पाइप लाइन गड़ी, और उधर से इसके पीछे अपने जो पेड़ अपन ने तोड़े थे वो भी ले आएंगे, तो उनको एक तरफ यहाँ पे रख देंगे अपन। फाटक तो कहीं खोल लूँगा, सारा का सारा मानू चाहिए यार, तुम्हारा सा फाटक खुलवाई रो, बताओ शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज इधर के जो पेड़ वेड़ है उनमें मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ कि जो साइड में बैठेगा उसकी हालत क्या होगी, सीधा आके बाट से लगेगा, आराम से चले ही ले रहे। यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस तो कर लिया ये पेड़ कैसे मुंह में लगते हैं, भटा भट भटा भट चाल जान दे पोत दे दीपावली आई रही फिर धोएगो तू। कोई साइकिल नहीं आएगी रे, साइकिल ले जाएगी वो तो पायलट आदमी है। अरे कहीं की भी साइड से जान दे, इधर महारा में खरोच नहीं लगनी चाहिए बस, ये मैं से जान दे नहीं ऊपर से, ये बात तोड़ दे कैनोपी लीम का झाड़ मार दे। अरे नहीं लगे जान दे गंजू, अरे ओए के तो पास में आते जाइ रो, जान दे कौन ने पानी निकाल दियो यार, ओए अरे भगवान बेटा गड्ढो नहीं होए, ओ थरी उधर ही दे जान दे, तू तो जान दे नहीं आ गया क्यों गड्ढा में, इतना बड़ा गड्ढो कौन, वो तेरी ऐसी की तैसी, और थरी बताओ यो आदमी कैका दिन, ओए पलटा ही मत दीजिए एक टायर ऊपर एक नीचे, अब होएगा सीधा, ये लो लिफ्ट ऊपर कर ले, पाइपलाइन का काम चल रहा है, ये जो नाली खुदी हुई दिख रही, अरे तेरी हाथ छिल जाता अभी, वो खड़ा 735 हाँ लाल परी खड़ी थे जान दे नहीं, पाइपलाइन दे और तोड़ डाल, तू तोड़ दे काचा को फेंक दे जहीं, वो 735 से लेके फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे, देख रहा एल बना दिया, एल बना दिया वहाँ से, वो देख रहे हो ऑफ रोडिंग, तेरा हार तो वाल वाल बच रहा, बड़े प्यार से ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो। इतना तो भी छोटा गियर डालना है कि नहीं हुई रही यार, किर्लोस्कर इंजन दिखा दो तुमको एक बार, किर्लोस्कर इंजन ये देखो, मैं भी चल रहा हूँ नहीं चल जान दो, कहाँ जान वो भाई, दूसरी साइड उधर का तो दिखा है तुमको, और इधर भी देखो वो वहाँ पे पहुँच भी खोजती बोल देता, अब भी एक वो यहाँ पे लग जाएगा इसका मुंह, और यहीं से फिर सीधा पानी चले जाएगा, पाइप फंसाने की ज़रूरत नहीं, वैसे इतनी गहराई नहीं भी हो ना तो काम चल जाएगा, कितनी गहरी हो तेरी कमर कमर तक खुदाई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लो भी चलेगा तो यहाँ तक आएगा, और कहीं हद हो गई भाई, इससे ज़्यादा प्लो नहीं चलता गहरा, पर अच्छी है नीचे रहेगी तो ज्यादा बढ़िया होती। के अलावा देखो कितनी सारी चीज लग रही इसमें, थपड़ी थपड़ी क्या क्या, वो डब्बो कहाँ है यार, कहाँ है वो एमली है चिपकाना मतलब, ओ माय गॉड ये तो मुझे पता ही नहीं था, अभी वहां वाला पेड़ को खींचाता नहीं करता हूँ, बाकी ये ट्रैक्टर भी यार पुतेल तो खूखार सा लगे, देखो पोत के रखेंगे अब इसको, आधा खेत तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा, ट्रैक्टर चल चल के बराबर कर देगा, ये छोटे मोटे पेड़ का तो भाई साहब इसको पता ही नहीं लगता, इसको पता ही नहीं कि मेरे पीछे कुछ है, हाँ अगर 735 होता वो बेचारा स्लिप मार मार के थक जाता, बड़े टायरों का बड़ा फायदा,
एल वन को पढ़ो वहां से सीधी आती है नहीं, तो फिर ऐसी क्यों घूमी थी? अरे हो वो टेकरा का भी खिंचाई देता नहीं, अभी ये फौड़ा वाला हमसे तो मजा ही जाती। और कितो काम रहे हो? खत्म छुट्टी? ये पड़ोसी मेरे तो नहीं फोड़ रहा हूँ। ये लो भाई साहब जेसीबी चल दी उसके घर, उसके घर जा रही, पता नहीं और कहीं खुदान बुदान नहीं भिड़ जा, कहाँ खोदेगी। अरे हाँ, और इसको हमने फंसा दिया इसके नीचे, अब तो जाएगा ये पिछवाड़ा टिक गया, और उधर का चक्का घूम रहा वो साइड का गोल 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 गोल, कोई काम की नहीं है, धकाई अब। अरे बूढ़ी जेसीबी आ जा, ये देखो ये सुड़ी सूंड से ही चलती है, बाकी टायर तो इसके भी, ये ट्रैक्टर से भी कम ताकत करा उस हिसाब से, तो 30 क्विंटल वजन है नहीं आ रहा है मैं, और टायर घोटला टायर डाल नहीं रहे ये, हमने तो अपना ट्रैक्टर कितना प्यार से चढ़ा था। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई गुलाब भैया ना पूरा उनका खेत में लाइन गड़बड़ ली दादा, अब बहुत पौवा पिएगा, अब कोई टेंशन नहीं, पाइप ले जाना है का इधर उधर। ओ मनु ये देखो जेसीबी पर, मनु कहाँ चला गो, घर आर नहीं जा रहा, हम यही काम करवाओ। उल्लू वाला के वहां बैठ गया बताओ, और ये ऊपर मोटा वाला बैठा दिया सोनू ने, बोला उसको ऊपर रख दो ये नहीं गिरेगा, और गिर गया तो फिर हम दो ही है। अरे बमूले हॉन देख के लोचा पूरा भैंस की आंख, लग रहा है इस छत में बैठ के आइट साइड झाड़ पेड़ दिख रहे हैं, मजा आ रही है कि नहीं? बहुत मजा आ रही है। अभी यहाँ से 735 कोड़ा था, हम उसके पीछे ढूंढ बंदा है और ये निकलेगा। ये रस्सी खोलने में हमारी 12-13 बज गई, पर खुल गई 6 बज गई, कितने बज गई, और 5:47 6 बज जाए खेत में जा। अरे यार पहले मनु होगा, ब्रेक तो खोल ले, ब्रेक तो खोल ले, ब्रेक ले ले, खोल नहीं तो, अरे ब्रेक तो खोल ले भैया, जब ही तो कोई इतना लोड ली में चल रो भाई साहब, पूरे खेत की नाली बूझ दी, अरे फेंक तो मारा गया आराम से, अरे इनसे ब्रेक ब्रेक भी नहीं था रे। बाजार से क्यों, वो तो बाहर ही है नहीं, ऑफ रोडिंग 855 ऑफ रोडिंग करेगा, आए हाय फिर हारन तो नहीं टिक गए, टिक गए बबुआ। वो कह रहा कहीं नहीं हुआ। अभी इतने बड़े को बीच के ले जाना है, इतनी देर में काल ने अटैक कर दिया नहीं पंडित जी, रात के टाइम में काल ने अटैक कर दिया, प्रेम भैया को ऊपर अटैक कर रहे हो पूरा, दो दिन से कट कर रहे हो है, वही तो सनी सुनी भारी चल रहे हो, कहीं पंडित जी से कहीं मंत्र अंतर करवाओ, ठोको राशि बताओ, ग्रहण गयो ये 2-3 राशि पे बहुत प्रभाव है, बाजार जाके 40 के जो पट्टी कर दे हो, बड़ा जो मत वो पाई फोन है गिर बात बहुत बढ़िया गया, और एक की बारी भाई इस चीज के लिए स्वराज पसंद है, इसके पीछे कुछ भी डाल दो ये डीजल तो देखो आ जाएगा, पर आपको ये नहीं करेगा कि भाई स्लिप मारने लगा तो खींचेगा नहीं है, ये कोई नहीं है, बीच का तो रहेगा, चाहे डीजल टंकी का उड़ा दो डीजल तो उड़ा देगा।
के टायरों में से खुशबू आने लगी यार, बहुत जोर जोर से। अब टायरों की खुशबू है या साइलेंसर वाला, इससे जल्दी गर्म थोड़ी ना होएगा। खुशबू तो आ रही है कि वायर वूयर जल गो। चल राजा चल, तो घर पे लेके ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए, इज्जत का सवाल है, समझा कर। फंस गए लगता है, और ये मेरे फोन को क्या हुआ, ये कैसी वीडियो बना रहा है। भाई साहब ये बता रहे मेरी गलती है, मैंने पहले यहाँ से नहीं घुमाया, जबकि स्लीपे मार इसके टायर ही गंद करने लगे, और मैं क्या करता यार। अब इसको छोड़ दो, वैसे भी नहीं जाएगा, इतना लंबा और अपना रास्ता इतना लंबा नहीं है। तो तू इतना परेशान क्यों हीरो यार, कौन ने चीपे हाथ, मैं नहीं बताऊंगा। देखो भाई हमारे सोनू भाई ने हार मान ली, मैं तो निकाल के लाता, शायद हो सकता है या फिर दोनों ट्रैक्टर को बांधना पड़ता क्योंकि नीचे बखरा हुआ खेत है, तोता किया हुआ, तो इसने यहाँ तक तो ले आया। अब जब मुड़ने की बारी है, मैंने एक ब्रेक दबाया तो ये वहीं बैठने लगा, आगे ही नहीं बढ़ा, ऐसा हो गया। तो फिर हम उसको छोड़ के भगी, क्यों भगे बताता हूँ एक मिनट। ये भगे, ये देखो ये रास्ता कितना छोटा सा है, अगर वहाँ से हम मेहनत करके निकाल भी लेते ना तो फिर इधर कहीं फंसता, और अब ये सीधे कहाँ जाके फंसता, जहाँ पे गीला था, जहाँ पे कीचड़ था ना, वहाँ पे फंस जाता। वो तो अपने को ये करना था कि एक साइकिल भी लाना था और 735 के आगे, मतलब आगे कर देना था 735 को, फिर साइकिल से इसको बांधते, तब भले ही जाता भाई साहब को घर। लेकिन रात में मगजमारी करके कोई मतलब है नहीं, और हमारे प्रेम भैया का और कोई चिप आ गया, क्या बोलते हैं हाथ, तो फिर सोनू बोल रहा है रहन दो, आप उल्टे काम नहीं करते, अब चलो घर। ये टन टन अच्छी आवाज़ करे यार, चल मेरे राजा। एक चीज़ बताना तो मैं भूल गया यार भाई, मैं बोल रहा था ये कि आज की वीडियो में था इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, और आपने यहाँ तक जब देख लिया तो लाइक तो करना भूलना ही मत, क्योंकि यहाँ तक या तो देखी क्यों तुमने और देख ली तो भाई साहब लाइक मत, ओ लाइक करना मैं बोल रहा हूँ, मत करना। देख रहे जंगली रास्ता, मेरे को लग रहा है डर, इसलिए मैं कर रहा हूँ वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय राम जी की। ये और किसकी ज़िंदगी में दुख आ गया यार।